तो बहुत जोर जोर से रोती है, बहुत जोर जोर से हमें सुनाई पड़ता है। तो दोस्तों देखिए कितना लाल पत्थर है, बहुत ही अंधेरा है और बहुत ही खौफनाक गुफा है ये। दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तो हम भी ठीक है और अच्छे हैं। तो आप सभी का स्वागत है हमारे आज के और एक ब्लॉग वीडियो पर। तो दोस्तों टाइम जो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, तो आज का ब्लॉग जो है हम 9 बजे से शुरू कर रहे हैं। तो दिखाते हैं दोस्तों आज का मौसम। शाम को जो है हमने लकड़ियाँ लेने भी जाना है, तो आज हम जाएंगे दोस्तों उस तरफ जहाँ पर है चुड़ैल की गुफा। चुड़ैल की गुफा कहते हैं दोस्तों वहाँ पर, क्योंकि जो है वहाँ पर जो है चुड़ैल को कैद किया गया है आज से करीबन 200 साल पहले, है ना जी। 200 साल पहले जो यहाँ के लामा जी हैं, पुजारी जी जो सबसे हेड थे, उन्होंने जो है यहाँ पर जो है चुड़ैल को कैद किया हुआ है। तो दिखाएंगे दोस्तों आपको वो जगह कैसी है, नज़दीक तो नहीं जा सकते हम, दूर से दिखाएंगे आपको कैसी हो जगह बाहर से हो गुफा। तो ठीक है दोस्तों काम करते हैं अभी, तो चलेंगे शाम के टाइम। तो दोस्तों पूजा जो है अभी गई हुई है चाय का सामान लेने के लिए, एक पतीला और चीनी चाय पत्ती लेके आएंगी। तो मैं तब तक जो है चूल्हा बना लेता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर जो है हम खेत पर ही आज चाय बनाएंगे, तो काली चाय। तो यहाँ पर चाय पी के तो हम लोग जाएंगे यहाँ से लकड़ी के लिए नाले के उस पार। तो उस पार जाके जो है आज हम आपको दिखाएंगे चुड़ैल की गुफा। तो ठीक है दोस्तों मैं भी चूल्हा बना लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों छोटा सा चूल्हा मैंने बना दिया है पत्थरों का, अब मैं ढूंढता हूँ लकड़ियाँ। मैं घर से लेकर आई हूँ चाय का सामान, तो मैं पानी चीनी चाय पत्ती जो है घर से ढल के लाई हूँ। तो ये है सातू गेहूँ का, तो रिदम को भूख लग गई है तो चाय के साथ इसको ये दूंगी। तो बन गया हमारा चाय। देखिए दोस्तों चाय होगी बिल्कुल तैयार। सारा इतना खाओ पहले, ठीक है आपको डाल दूं। तो ये सातू है गेहूं का, बहुत ही अच्छा होता है चाय के साथ। तो दोस्तों टाइम जो है 6 बज गए हैं, तो अभी भी जो है हमारे यहाँ पर जो है काफी रह गया है पानी देने के लिए। हाँ जी, तो अभी हम जा रहे हैं दोस्तों लकड़ी के लिए, लकड़ी अभी नहीं है घर पे, तो हम आज जा रहे हैं उस नाला पार। तो आपको चुड़ैल का गुफा जो हमने बोला था चुड़ैल की गुफा वो भी दिखाएंगे, तो चलते हैं। हमें जो है यहाँ से जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि ऊपर से पत्थर जो है बहुत ही ज्यादा गिर। रस्सी और मैंने स्टॉल को यहीं पे रख दिया है, लकड़ी जो है हम यहीं से ले जाएंगे। यहाँ पे काफी सारी लकड़ी है जो पानी नदी के किनारे आया हुआ है। तो अभी चलते हैं आप सभी को चुड़ैल की गुफा दिखाने। तो देखिए दोस्तों कितनी सारी लकड़ियां हैं, तो हमें तो बहुत ही ज्यादा दुख लग रहा है, काश ये पार्क की तरफ होती ना। ओह ये देखिए कितना ढेर है, कम से कम हमारे लिए तो कम से कम महीना चलेगा ही, है ना, महीने से ज्यादा। बहुत ही ज्यादा लकड़ियां हैं यहाँ पे, यहाँ देखिए। तो दोस्तों यहाँ देखिए कितना सुंदर है, रेत ही रेत है पूरा, ये देखिए। तो दोस्तों वो जो गुफा है यहाँ पार है, तो अंधेरा हो रहा है काफी, टाइम भी हो रहा है, तो देखने में तो नजदीक लग रही है, काफी दूर है। तो देखते हैं हम कोशिश करते हैं वहां जाकर, पार तो नहीं जाएंगे हम लोग, हमें तो बहुत डर लगता है पार की तरफ। अगर पार से मतलब नजदीक से दिखाना होता तो हम पार से आ जाते, पार से जो है बहुत ही ज्यादा डर लगता है, तो हम इस तरफ से आए हैं, तो चलते हैं फटाफट से। तो दोस्तों देखिए कितना लाल पत्थर है, बहुत
ही ज्यादा लाल। तो दोस्तों देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं, थोड़ा अंधेरा भी हो गया है, उतना साफ नहीं दिख रहा है। ये ऊपर देख सकते हैं आप टाबू ब्रिज है और यहाँ टाबू का नाला ये वाला, तो वो जो है इस बड़ी नदी में मिल जाता है। सामने देख सकते हैं आप यहाँ पर जो है काफी ज्यादा दर्द है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ है वो गुफा ये सामने। देखिए दोस्तों सामने जो है दो गुफा है और सबसे नीचे वाली छोटी गुफा है, उससे ऊपर वाली जो है बहुत ही बड़ा गुफा है, उसके अंदर ही यहाँ पे चुड़ैनी को कैद करके रखा गया है। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि ये जो चुड़ैनी थी बहुत ही परेशान करती थी, दिन धरी लोगों को लगना, लोगों का जान जो है ले जाती थी, ऐसा कुछ चुड़ैनी लग जाती थी इंसान पे तो इंसान का बचना बहुत ही मुश्किल होता था। तो यहाँ पे जो है पहले बहुत ही खतरनाक हादसा हुआ करता था, तब यहाँ के जो है बड़े हेड दलाई लामा जी जो ने अपने मंत्र से जो है इस वाले गुफा पे कैद करके रखा है। तो अभी भी है यहाँ के लोगों का कहना कि जब ये चुड़ैनी गुफा से बाहर आ जाएगी, आखिरी आजाद हो जाएगी, तो वो पूरा तहस नहस हो जाएगा। तो अभी भी यहाँ के लोग जो है बहुत ही डरते हैं। तो देख सकते हैं ये गुफा, ये है दोस्तों वो गुफा जो सबसे बड़ी है, तो इसी के अंदर जो है कैद किया गया है, और ये वाली तो छोटी है इसका पता नहीं हमें खास। तो ये दोनों शायद एक ही में मिलती है। तो ये घटना जो है बिल्कुल सच्ची है दोस्तों, बिल्कुल रियल है। अगर ये आज भी यहाँ से छूट जाए ना दोस्तों, तो गांव के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा खतरा है। तो यहाँ के जो बड़े लामा जी थे उन्होंने जो है इसे कैद करके रखा था यहाँ पे, हाँ जी, अपने मंत्रों से। तो यहाँ के लोगों का कहना है ये चुड़ैनी जो है बहुत ही क्रोधित है, बहुत ही ज़्यादा, तो हो सके तो यही बोलते हैं कि आज भी यहाँ के जो लोग हैं गुफा पे जाके बहुत बड़ी बड़ी पूजा करते हैं, ताकि ये चुड़ैनी जो है गुफा से ना निकले। गुफा से निकल जाएगा तो ताबो पूरा तहस नहस है, और यहाँ के लोगों को जो है बहुत ही खतरा है। तो हमने वहाँ पार जाके दिखाना था, तो पार जाके नहीं दिखा सकते, ये गुफा बहुत ही अंदर से पार से दिखता है, और पूरा गुफा पे जो हरियाली घास है ना, जो गुफा के पास पूरा हरियाली घास, बहुत ही अंधेरा है और बहुत ही खौफनाक गुफा है ये। तो हमें भी जो है दोस्तों बहुत ही डर लगता है, क्योंकि ये गुफा जो है हमारे बगीचे की साइड को है, परली साइड को, ये गुफा दिखाने के लिए हम इस साइड को आए हुए। तो रात को जो है ये कभी कभी अपने अपने टाइम पे बोलते हैं ना, अपने अपने जोक पे जो है हर एक चीज़ डराने को देता है, नेगेटिव एनर्जी वगैरह, तो बहुत जोर जोर से रोती है, बहुत जोर जोर से हमें सुनाई पड़ता है। तो हमें बहुत ही डर लगता है पार बगीचे पे रहने के लिए भी। टाइम जो है बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, और हम जो है गुफा के सीधा आगे है, तो साथ में बच्चा भी है, तो हम जाते हैं अब घर की तरफ। कभी दिन में जो है हम आकर अच्छे से आपको गुफा दिखाएंगे। तो चलते हैं घर की तरफ। एक ही रास्ता है शायद, ये ऊपर वाली गुफा में रहती है। पापा जी, थोड़ा सामने करके दिखाओ तो। तो दोस्तों जाना बहुत दूर है, तो हम जो है जल्दबाजी में आ गए फटाफट से, आज थोड़ा लेट हो गया ना। तो दोस्तों ये जो बात है बिल्कुल सच्ची घटना है, आज से करीबन 200 साल पहले की बात है ये, जब इसे कैद किया गया था, तो बिल्कुल सच्ची घटना है ये। तो जाना बहुत दूर है दोस्तों, चलते हैं फटाफट से, रास्ता भी खतरनाक है। अभी लकड़ी जो है हम थोड़ा सा ही ले जा रहे हैं, क्योंकि अंधेरा हो गया है, फिर आऊंगी कल या परसों दिन में, बहुत ही अंधेरा हो गया, पत्थर गिरने का बहुत ही डर है। तो चलते हैं अब घर की तरफ। तो हम घर पहुंच गए हैं, तो अभी शाम के बज रहे हैं 7:30। तो आज हमने गुफा दिखाने जाना भी नहीं था, तो 3 से 4 वीडियो पे जो है हमने बोला था कि हम चुड़ैनी का गुफा दिखाएंगे, तो इसलिए हम चले गए, क्योंकि हमारे पास लकड़ी भी नहीं था और थोड़ा सा लकड़ी भी लेकर आए। तो बहुत ही दूर था, सीधा नदी के किनारे गए, बहुत सारे पत्थर था, चलने पे बहुत ही दिक्कत हो रही थी। तो हम अभी पहुंचे हैं, तो थोड़ा सा आराम करेंगे, फिर अभी हमने दोबारा बाग की तरफ जाना है, पानी लगाना है, फिर वहीं से जो है हम हाथ पैर धोकर फ्रेश होकर घर आएंगे। और खाने पे जो है आज दिन की सब्जी बची हुई है, बस चावल ही लगाना है, फिर खाना है। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारा आज का ये ब्लॉग वीडियो अच्छा लगा हो। तो आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।